السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل ولا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين वरि कैसे हैं आप सब और उम्मीद है आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे जख्ला खैर फॉर वेटिंग फॉर दिस लाइव सेशन और आप लोगों का जोश व जज्बा आज आसमानों को छू रहा है माशा कैन यू नो फील द एक्साइटमेंट इन यू गाइज टूडे और मेरे सामने तो कोई नहीं है सब लाइट्स और कैमरा के और कुछ चंद एक दो लोगों के लेकिन कैमरे uh, के अंदर से मुझे फील हुआ है कि हाउ मच एक्साइटेड यू आर टू लर्न अबाउट दिस लाइफ स्टोरी और इन शाह तीन से तला से उम्मीद है और uh, मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि ये जो लाइफ uh, स्टोरी है ये सिर्फ एक uh, आ, सिर्फ स्टोरी ना हो उसका मकसद जो है वो अल्लाह की रजा हासिल करना हो और अल्लाह के ज़्यादा करीब और अल्लाह के दीन के ज़्यादा करीब होना हो इन शह हमें कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम भी इन देख लेते हैं वालेकुम सलाम वालकम्स वरह सिस्टर अनाबिया जबीन मुदसर अहमद सिस्टर सानिया वालेकुम सलाम वरम गाइडेंस फॉर यूथ कह रहे हैं दिस इज़ काशान फ्रॉम कराची प्लीज़ कम टू तो कराची फॉर पब्लिक मीटअप लाइक मुल्तान इन शान वेरी सुन आल बी कमिंग टू कराची सिर्फ जो चीज़ डिले का बायस बन रही है वो कोविड की सूरत हाल है um, इन शी हम एहतियात कर रहे हैं कि जितना कम कर सकें जो पब्लिक मीटअप मीट है इनशा लेकिन सोन विल बी इन कराची <coughs> अल्लाक तो जैनब जमील फ्राम लाहौल वालेकाम वरहल जैनब चुली मुस्लिम भी आ, मुस्लिमा कुछ कह रही हैं वालक अल्लाम वरम जजाक खैर सैद ईसी फॉर योरद आज़ फॉर यूर सलाम आरफ आहंग कह रहे हैं किसमैमल्ला जी और कौन कौन है आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा फ्रॉम इंडिया उत्तर प्रदेश वालेकुम सलाम वरम मे पीस मर्सी एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन यू कोई किसी का नाम अभी आया था कि समन फ्रॉम कैप्स आई थिंक जो मेरा स्कूल uh, था इन मुल्तान आई आई जस्ट यू नो द स्किप द कॉमेंट पा गेमर फ्रॉम यू के माशा पा गेमर यू आर अ रेगुलर अटेंडी ऑफ अटेंड लाइव बार फीक हाउ टू टू यू पर्सनलीन टॉक टू मी पर्सनली वाई आई इंस्टाग्राम इन शाला आप उसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें आई ट्राई टू रिप्लाई दैसेजेज लेकिन कुछ मिस भी हो जाते हैं आई बी गेटिंग मोर एक्टिव इन रिप्लाइंग टू यूर मैसेज वेरी सुन इनशा होप ना हारे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बार फिकम अल्लह तम सब का यहाँ पे बैठना के बूल तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इट इज़ अबाउट माई लाइफ स्टोरी मैं था कैसा मेरा यहां तक का जर्नी कैसा रहा बीच में बीच में मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स का सामना किया क्या क्या हर्डल्स आए किस तरह से उनको ओवरकम करने की कोशिश की एंड शेयर करूंगा तो जी बीच में आपको आप, आप लोगों से कुछ सवाल भी करता रहूंगा और आप कॉमेंट्स भी लूंगा आम, जी क्वेश्चन इनशाला एंड में तो आप लोग इन चला स्टेटमेंट रहिएगा सो आज का जो टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ चेंज सबसे पहली बात तो ये ताला का फजल है अल्लाह का शुक्र है लिहाजा वमा ने ही हमें और मुझे इस रास्ते की तरफ हिदायत दी और वही उसी ने इस रास्ते पर चलाया वमा अल्लाह और अगर अल्लाह की ज़ात हमें इस रास्ते पर ना चलाती तो हमें कोई हिम्मत और ताकत नहीं थी कि हम इस रास्ते पर चल सकते हैं ये वो स्टेटमेंट है जो कि जन्नती जन्नत में जब अल्लाह ताला उनके दिलों में से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी इल फीलिंग्स थी वो निकाल देगा और वो अल्लाह की जन्नतों में रेशम के लिबास में सोने चांदी के कंगनों में और नदियों के ऊपर बैठे होंगे तो अल्लाह सुबहान तला उनको जब उनके अमाल के बदले में जजा दे देगा तो ये स्टेटमेंट कहेंगे अल्हदल्ला और कहेंगे बिल्क अलहमदिल्ला तम्बियात है वो हक ले के आए वन जन्नतु तहेंगे हमने तुम्हारे आमालों के बदले तुम्हारे गुड डीड और तुम्हारी स्ट्राइविंग और स्ट्रगल के बदले आज तुम्हें इन जन्नतों का वायरस बना दिया एक तो ये पार्टी होगी दूसरी पार्टी वो होगी जो कि इसके ऑपोजिट होगी और जो कि जहन्नम में होंगे और जो कि इस दुनिया में अल्लाह ताला की आयत और अल्लाह ताला की जो साइंस थे अल्लाह ताला के अहकाम नबीम की, की सुनत है उनसे पीछे हटते रहे और कहा कि ये हमारे लिए नहीं है ये स्टोन एज का दिन है आई एम टू कूल टू फॉलो दिस रिलीजन आई एम टू गुड यू नो टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन मेरी अपनी लाइफ माई लाइफ माई रूल्स जो योलो के ऊपर जीते हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी को खेल तमाशा बनाया हुआ है और वो अपने नफ्स की चाहतों को पूरा करते हुए जी रहे हैं अगर वो तोबा करके ना मरे तो वो लोग कह रहे होंगे इन लजी न कर बे आयाती ना बल्कि अल्लाह तला ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयात को जुटलाया वकबरू अनहा और उनके बारे में तकबर किया वट इज तकबर के नमाज तो वो पढ़े जो गरीब हैं जिनको कुछ अल्लाह से चाहिए मेरे पास तो सब कुछ है और ये मेरे इल्म से और मेरी हार्ड वर्क से मैं सेल्फ मेड हूं उनकी वजह से आया अल्लाह ताला को ये लोग पसंद नहीं है अल्लाह ताला कहते हैं लहुम वला हैद्ल जन्ना इनकी जब रूहें कब्ज की जाएंगी तो आसमान को नॉक किया जाएगा के ऊपर आने के लिए तो ला तुफत लहम अबाबुसमा आसमान के दरवाजे इन पे नहीं खोले जाएंगे वाला और ये जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगे कब तक This gives, gives hope कि कब तक अच्छा कोई टाइम होगा जब दाखिल होंगे अल्लाह जो, जो सुराख होता तो है उसमें से गुजर ना जाए तब तक वो लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जो लोग अल्लाह आयात पे तकबर करते हैं विच मीन्स इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू एंटर जन्ना वाई बिकॉज वो तकबर करते हैं और अल्लाह ताल की आयत को झुटलाते हैं हाँ जिसके दिल में हदीस में आते हैं अल्लाह हुआ कलमा पढ़ता हुआ वो अल्टीमेटली इंशाल्लाह शह हिल एंड अप इन जन्नत सो so, अल्हम्दुलिल्लाह ने अल्हमदिल्ला तुझे इसरासिव हिदायत दी वाला ही इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है मेरा आ, मेरी कोई एफर्ट नहीं है सब अल्लाह की तौफीक से है नो यू नो स्टार्टिंग ऑफ विद स्टोरी आज रात जब मैं शाह की नमाज पढ़ रहा था ना तो मुझे नमाज में ही एक ख्याल आया और वो ख्याल एक बल्कि ख्वाब याद आया मुझे नमाज में ही और वो मैंने ख्वाब देखा था 2008 में जब मैं उम्र पे गया था अपनी जाहिलिया के डेज़ में व्हेन आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग जब मुझे दीन का बे नहीं पता थी एंड आई इनटू द लाइफ ऑफ सिंस और वहाँ पे जाके एक अजीब सी लजत और एक अजीब सा मज़ा महसूस किया और अपने गुनाहों से तौबा करके जब मैं वापस इस्लाम आया था आई सॉ अ ड्रीम और वो कुछ दिन बड़े स्पिरिचुअल आप जब उम्र से आते हैं घर से आते हैं आप you know, you इन नमाज व तआला आपके बड़े अच्छे दिन गुजरे होते हैं लेकिन डेफिनेटली उसके बाद में फिर दोबारा जाहिल हो गया एंड आई यू नो जाहिलिया जिस जो मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा कि तो मैंने आ, रात को मैं सोया और मैंने ख्वाब देखा ना दिस इज अ ट्रू ड्रीम जो मुझे ख्वाब में मैसेज मतलब दिस इज मेरे साथ वाक्य हुआ है लंबा ख्वाब था मुझे बहुत कुछ भूल गया उसमें से मुझे एक पोर्शन याद है और मुझे आज तक याद है और मुझे बल्कि बीच में भूल भी चुका था लेकिन मुझे आज इशा की नमाज में उसका वो याद दोबारा आया और वो ये कि क्योंकि मैं काबा गया और मैं गुनाहों पे बहुत रोया और नदामत अख्तियार ही गया अल्लाह मैं किस लाइफ में पढ़ चुका हूँ और मैं किन गुनाहों में पढ़ चुका हूँ मुझे तू निकाल मुझे तू इसे दे तो वो ख्वाब मैंने ये देखा कि एक मैदान है और अ इट्स, इट्स डर्ट ग्राउंड ठीक है और कोई इट्स नॉट ग्रीन काफ़ी बैरन है और कुछ लोग आ रहे हैं जो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करना चाह रहे हैं उनको तकलीफ और कत्ल करना चाह रहे हैं वो आज तो वो लोग आ रहे हैं और मेरे पीछे रसोल है और मैंने इनको देखा नहीं वो मेरे पीछे हैं बस मुझे सिर्फ खौफ और एंगजाइटी ये थी कि ये इनको इनपे अटैक ना करें और इनको तकलीफ ना पहुंचाएं और मेरे हाथ में कोई सोड नहीं है कोई कुछ नहीं है बल्कि एक लंबी सी वेप है जो कि बड़ी उसकी लेंथ है और वो ऐसी विप है कि अगर वो मेरे करीब आ जाए तो शायद मैं उससे उनको हिट ना कर सकूं लेकिन मैं उनको दूर रखने के लिए मैं उनको बड़े तेज़ तेज़ उनको हिट करना चाह रहा हूँ कि ये दूर ही रहे मुझसे और मैं पीछे ही रहूं और मैं कुछ कदम पीछे भी उठा रहा हूँ कि अगर ये मेरे करीब आ गए तो शायद मैं इस विप से क्योंकि विप के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने डिस्टेंस पे एनिमी को हिट करें और वो बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी लेकिन मुझे जहां तक याद है कुछ लोग थे जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करना चाह रहे थे अटैक करना चाह रहे थे और मैं बड़ा खौफजदा था कि ये क्या हो रहा है

तुम क्या चीज हो तुम्हें अल्लाह के कि तुमने कौन सा दीन का काम किया कि तुम उनके दीन को प्रोटेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट इट और मैं भूल भी गया और जब मैं गुनाहों की जिंदगी में पड़ गया और बहुत दीप चला गया उनके अंदर तो मैंने कहा मुझे इस तरह ख्वाब क्यों आएगा मे बी इट्स यू नो ऐसी वो ख्वाब था कोई सच ना हो लेकिन वेन आई केम टू दीन And when I started giving dawa to people, that dream started making sense to me. Waalaahu ala alam, was dream का क्या interpretation है? मैंने ask the kisese in poochi. And this is the first time I'm sharing this dream with anyone. के मैंने ये ज़िंदगी में ख़्वाब देखा. Waalaahu ala alam, was dream है? लेकिन this, this dream had an impact in my life, जिसका मैं connection बाद में आपको बताऊँगा कि वो connection कैसे You know my life. देखा जाए तो अलहमद uh, ला uh, हम लोग फाइनेशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं मेरे दादा ने फादर को बोला था कि आप आर्मी में जाए बिकॉज ही वॉन्टेड हिज नो वन और टू ऑफ हिज सन टू बी आर्मी वाले साहब ने आर्मी ज्वाइन की उनको एस एस जी का शौक था ही वो एस एस जी एंडेमो कमांडो फोर्स में से होते हैं एंड यू नो वट जिसको पता है कि एस एस जी इज वन ऑफ द टॉप फोर्सेज इन द होल वर्ल्ड टॉप यू नो ग्रुप ऑफ पीपल द मोस्ट फिटेस्ट ऑफ ऑल इन द होल वर्ल्ड तो मैं जब पैदा हुआ इस्लामाबाद में पैदा हुआ और मुझे फॉरन से एक जगह पर ले जाया गया जहाँ पे जो कि एस एस जी एक तरह से उस वहाँ वहाँ पे लोग रहते हैं जो सिर्फ कमांडोज होते हैं जिसको बोलते हैं आ, चिराट और इसका जो निक है वो है ईगल्स नेस्ट चील का जो है ना वो घोंसला क्योंकि इट्स ऑन हाइट और वो जगह भी ऐसी है तो वाले साहब ने मुझे शुरू से ही ना एक, uh, एक एक रफ एंड टफ लाइफ स्टाइल मतलब ही गेव मी कॉन्फिडेंस ही मेड मी ट्राई एवरी थिंग एनीथिंग एनी थिंग इन लाइफ स्पोर्ट्स वाइज और मुझे याद है कि जब मैं मैं मे बी सेवेंथ क्लास में था मुझे घोड़ों पर बैठा दिया गया था टू राइड और जब मैं वो मेरे से कंट्रोल नहीं होते थे तो मेरे चाचू और मेरे वाले साहब बोलते थे कि कंट्रोल करो इसे एंड दे यूज्ड टू यू नो मोटिवेट मी टू कंट्रोल दिस बीस्ट और मैं मैं उसके सामने एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा था और मुझे वो भी याद है कि जब मैं आ, बहुत हाइट पे स्विमिंग पूल के एक जो सबसे टॉप वाला क्लिफ बोर्ड होता है डाइविंग बोर्ड होता है तो उस पर खड़ा हुआ था एंड यू नो माई फादर एंड फ्रेंड्स वर मोटिवेटिंग मी के मर्द को डर नहीं लगता और यू नो जम्प खरा कुछ नहीं होगा जस्ट जम्प एंड आई वॉज शिवरिंग एंड आई जम्प्ट अल्टीमेटली

तो ये चीज़ बड़ी एक अच्छी शुरू में होती है जब आपकी डायरेक्शन ठीक है जब आप इसको स्पोर्ट्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं जब आप इसको डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई करते हैं एंड आई वाज बचपन से बचपन में टिल टिली सेवन क्लास आई वाज इंट्रोवर्ट आई वाज मामाज बॉय के घर के अंदर रहना ज़्यादा बाहर ना जाना और अपनी फैमिली अपनी बहन अपने अपनी फैमिली वालों के साथ एक रिलेशन रखना और सारा टिल आई यू नो हिट माई प्यूबर्टी एंड आई हिट माई टीन और वो वो टाइम था जिसमें वी हैड ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ और मैं दुनिया जहान की तमाम स्पोर्ट्स में था हाइकिंग फुटबॉल क्रिकेट स्कॉश बैडमिंटन क्लिफ डाइविंग हॉर्स राइडिंग एंड वी यूज टू वो एक टाइम था जहाँ पे फादर आर्मी में थे दीज फैसिलिटीज वो रेडिली अवेलेबल और हम घोड़ों पर डिफरेंट जगहों पर सफ़र करते थे वी यूज टू क्रॉस रिवर्स ऑन हार्स ये एक हमारे पास एक लिवरेज था अलहमद uh, आर्मी लाइफ में एंड हम इंटर सिटीज भी ट्रेवल करते थे हॉर्सेस पे एंड करो नोयर कंट्रोलिंग दिस बीस दिस गिवस यू अजीब से कॉन्फिडेंस ठीक है और, 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 you know, you know, और अल्लाह के भी असल में क्यों फरमाया कि अपने बच्चों को घोड़सवारी सिखाओ तीरंदाजी सिखाओ स्विंग सिखाओ उसके जो बहुत सारे रीजनज हैं उनमें से एक रीजन ये हॉर्स राइडिंग गिवस यू अल्टीमेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अल्टीमेट लेवल ऑफ यू नोल्फ एस्टीम इन सेन कंट्रोल बिगर देन यू जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा पावर बहुत ज्यादा है लेकिन यू हैव टू कंट्रोल वाई बिकॉज घोड़े जो है मैं आपको एक खास बात बताऊ लेकिन क्या आप डर रहे हैं अगर आप डर रहे हैं और अगर आप खौफजदा खौँजद, हो रहे हैं तो वह आपको ईजिली दो तीन बक मार के गिरा देंगे ठीक है और मस्ती करेंगे बगर बट इफ़ यू कंट्रोल इमोशन एंड यू 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 आर अफ्रेड बट एक्ट एंड फील लाइक यू आर कॉन्फिडेंट तो हॉर्स राइडिंग यूर इमोशंस एंड हाउ टू प्रोटेंड एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट इट टिल यू मेक इट जैसे बहुत सारे खैर मुझ में ना एक चीज़ें कुछ करेक्टर्स ऐसे डेवलप हुए अल्लाह की फजल से और घर वालों के सपोर्ट से जो कि मेरा जो था ना उसको मेरे करने की तोफीक मिली बचपन से तो इसका आगे की जिंदगी से है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ माहौल ने, ने, दोस्त ऐसे मिले थिंग यू नो लेट मी टू बी फियरलेस किसी चीज का खौफ ना होना और किसी चीज की परवाह ना होना और एक ऐसी लाइफ में होना जिसमें आपको कोई डर नहीं है किसी भी चीज का डर नहीं है ठीक है नाउ मैं आपको एक ऐसी अभी पिक्चर शो करता हूं जिसमें आप नौ साल पहले मुझे आप पहचाने हैं नौ साल पहले मैं कैसे लगता था एंड आई वांट टू आस्क यू इन चार लोगों से में, में से मैं कौन सा हूँ ठीक है लेट मी रीड सम ऑफ योर कमेंट्स एज वेल जी इन चार लोगों में से आ, मैं कौन सा हूं वट इज माई शोर्ट कर हसन इसको साइड पे कर देंगे जरा i want to see the laptop okay G. the pointing finger no yes the one in red unanimous dc in rg first one first one yes 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 in black no i'm not in black आई मीन रेड टी शर्ट और ये तकरीबन नौ साल पहले या दस साल पहले तकरीबन मेरी शक्ल मुबारक को इस तरह से होती थी जिसमें आपको पता है आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन टू डिफरेंट पोजिशन स्टेशन तो जाती है तो इसमें ना बहुत लोगों को है ना आप घात घात कर पानी पीते हैं आप बहुत लोगों से मिलते हैं यू हैट लोट एक्सपोजियर आप पख्तूनों के साथ भी रहते हैं आप डिफरेंट मैंटेलिटी के लोगों के साथ रहते हैं आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है बजाय कि उस बंदे की जो सारी जिंदगी एक जगह पर रहा हो सो आई ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ पाकिस्तान और इसमें मुख्त लोगों के साथ दो दो साल गुजारने का मौका मिला बट वैर आई केम टू इस्लामाबाद द सिटी ऑफ यू नो लाइट्स दिटी ऑफ माउंटेन्स एंड जहाँ पे जहाँ पे पार्टी कल्चर है और सब कुछ है तो जब यहाँ पे आए तो एक अजीब सा लाइफ स्टाइल मिला एक अजीब सा जिंदगी मिली और जिसमें आई गॉट इंटू यू नो कॉलेज कॉलेज में, into, uh, you know, college. College में uh, एक ऐसा लाइफ uh, स्टाइल था जिसमें कोई फ़िकर फाका नहीं है और आप बस याश की जिंदगी गुजारे एंड देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज लिविंग अ लाइफ ऑन दिस लोगन विच इज़ योलो यू ओनली लिव वंस और मैंने ये सोचा हुआ था कि बस खाओ पियो और ऐश करो फिक्र न फाका ऐश कर काका और जो तुम कर सकते हो इस लाइफ में इंजॉय करो बिकॉज आखरत की जिंदगी को किसने देखा है और एक वो जवानी की जिंदगी होती है ना उसमें फियरलेस बंदा होता है और फिर हम थे भी ऐसे पार्टी बॉयज जिसमें वी यूज टू हैव फन ऑल डे लॉन्ग एंड वी यूज टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड हैव फन एंड सारा सारा दिन घूमना फिरना खाना पीना एंड यूज टू स्कैन ऑल द रेस्टोरेंट्स ऑफ इस्लामाबाद और रात को घर आए कोई अल्लाह का खौफ नहीं कोई नमाजें नहीं किसी किस्म की सिचुएशन नहीं ना वॉच दिस पिक्चर ये बेसिकली मेरे शायद कॉलेज या उस दौर की बात है कि जिसमें आई वॉज इं टू पार्टीज आई वॉज इन टू फाइट्स आई वॉज इन टू यू नो गैंग फाइट्स और उस तरह की जिंदगी में गुजारा था जिसमें आई वॉन्ट टू हैव दिस पीस इन साइड माई हार्ट और चूंकि मैं चाहता था कि बस जिंदगी को ऐसे मिशन पर गुजारा जाए ऐसे लाइफ स्टाइल में गुजारा जाए जिसमें आप कोई फिक्र परवाह नहीं है और आप लौट पहुंचा रहे हैं और सारा सारा दिन हम घूमना फिरना याशी करना और वाले साहब ने जो बेसिकली मुझे कहा हुआ था और घर वाले की तो तरफ से था कि आपसे तीन डिमांड्स हैं आप समझाते हैं आप अपनी रिस्पेक्ट करें आप समझाते हैं कि आपके ग्रेड्स और नंबर्स अच्छे हैं और फिर आप लाइफ को इन्जॉय करें याशी करें आपको हम गाड़ी देंगे पैसे देंगे हर चीज़ देंगे सो आई हैड एवरीथिंग थिंग लाइफ अलहमद ला वट एवर आई वॉन्टेड पहली दो बातें तो मैंने सीरियसली ली कि इज्जत करें और ग्रेड्स लेके आए लेकिन जो तीसरी चीज थी कि लाइफ को याशी करें वो मैंने बहुत सीरियसली ले लिया और मैंने कहा यस अब पार्टी ऑन है और इस तरह का लाइफ स्टाइल गुजारना शुरू कर दिया कि जिसमें इट वॉज फुल ऑफ हराम वो तो जो मैं आपको बताता है कि आई डेवलप्ड शुरू में क्वालिटी थी लेकिन इट बिकेम बैड क्वालिटी ऑफ नॉट फियरिंग एनी हो या आखिरत का भी तो उसको भी रोक नहीं सकता और जो दिल चाहता है इंसान वो करना शुरू कर देता है ऐसे ऐसे हरकतें करना अच्छा मैं आपको क्यों लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ और मैं शायद एक दो चीजें कोट भी करूँ इसमें क्योंकि ये चीज़ मिलती है दे नेवर यूज़ टू बोस्ट ऑन देयर लाइफ और मैं शर्मिंदा हूँ और पछताता हूँ कि जिस तक मैं लाइफ गुजारी काश मैं ऐसा कि ना गुजारता लेकिन सहाबा आपस में बैठ के अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स पुराने शेयर किया करते थे और एक सहाबी ने तो ये तक बताया कि जब मैं ट्रैवल करता था और मेरे मुख्तलिफ बुत थे जिनको मैं पूजा करता जिनकी मैं प्रशस करता था तो उनमें से एक था जो कि जब मैं ट्रेवलिंग करने के जा रहा था तो मैंने कुछ खजूरों को इकट्ठा करके उस बुत को बनाया और मेरा अपने साथ ट्रैवल कर रहा था ताकि मैं उसकी इबादत का टाइम आए तो मैं उसकी इबादत भी करूँ लेकिन अल्टीमेटली आई रैन आउट ऑफ राशन और मुझे भूख सता रही थी तो मैंने क्या किया मैंने उस अपने खुदा को बिल्ला तोड़ के खाना शुरू कर दिया एंड आई एट माई रब वहा लाफ्ट तो आप यू you नो know, पुरानी मेमोरीज या पुराने एक तरह से बेवकूफ़ियों के के आप याद कर सकते हैं कि सच इट वॉज और आप लेसंस लर्न करने के लिए भी अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स को शेयर कर सकते हैं कि शायद आने वाली जनरेशंस उस चीज से लाइफ लेसन लर्न कर सकें सो दिस वाज यू नो काइंड ऑफ लाइफस्टाइल विच आई लिव्ड और जिसमें मैं सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा था आई वेंट इनटू गैंग फाइट्स आई वेंट इनटू ट्रैवलिंग आई वेंट इनटू अ लाइफस्टाइल जिसमें बस घूमना फिरना था हर तरह की एक्टिविटी हर तरह के Uh, माहौल को मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि किसी में तो मुझे सुकून मिल जाए जब मैं ट्रैवलिंग में गया तो इट वाज ऑल अबाउट यू नो फन एंड यू नो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड और उसमें गाना और नाचना और हर चीज थी लेकिन no देर no वॉज तो नो इबादत नो जिक्र नो जो होता है ना नमाजों की पाबंदी कुछ भी नहीं था और एक ऐसा लाइफ स्टाइल था जिसमें गुनाहों से भरा हुआ आई डोंट टू गो इन टू डिटेल्स लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी डिफरेंट आपको मैं स्टेजेस बताना चाहता हूँ कि मैं पहले गया आई वॉज इन्वॉल्व इन टू यू नो हराम रिलेशनशिप्स शायद मुझे इसमें सुकून मिले शायद दिस इज़ वट द अमेरिकन ड्रीम लुक लुक्स लाइक और हमारी तरबियत घर वालों के साथ साथ हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने की हुई थी मेरी जिंदगी में आ, वालिद का किरदार पार्टली हॉलीवुड ने प्ले भी किया और बॉलीवुड ने वालदा का किरदार एक तरह से अदा भी किया क्योंकि सारा दिन उस पर होते थे हम लोग और लॉलीवुड ने शायद सुतीली माँ का किरदार अदा किया कहीं ना कहीं वो तो हम देखते ही थे तो जब वो आप देख रहे होते हो और आपकी पर्सनैलिटी उस तरह बनती जाती है देन यू वॉन्ट टू लिव लाइक अ मूवी कि जिसमें शुगल है इट्स ऑल फन एंड देर इज नो यू नो बैड एंडिंग्स तो इस तरह का लाइफ स्टाइल में गुजारना चाहता था जिसमें इट वॉज ऑल फन एंड पार्टी एंड यू नो पम्प एंड शो I went into haram relationships. Yes, कुछ महीनों का शुरू में चस्का होता है और एक मजा होता है एंड समू कम लाले किस तरह से करता है यार बता किस तरह से फंसाना है और मैं उनको टिप्स देता कि बासुन अब बड़ा चीता बन के बासुण सिंधी के असूल याद रख तुझे झूठ बोलना आना चाहिए और तुझे तो करना वाल और मैं उनको गुनाहों की दावत देता और ऐसा की चीज़ें लेकिन उसमें मुझे अल्टीमेटली रियलाइज हुआ कि मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिल रहा आई केम बाइकिंग और मैंने हैवी बाइक परचेज कर लिए एंड आई वेंट टू ट्रैवलिंग ऑल ओवर पाकिस्तान घूमना फिरना सब कुछ था यस yes, जब आप जाते हो कुछ मजा आता है लेकिन अल्टीमेटली डेट्स गेट्स बोरिंग फिर मैंने पार्टीज ट्राई की जिसमें कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ दोस्तों के साथ बस आप हेड बैकिंग कर रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं जिसमें सब कुछ है मुझे मजा आएगा ये शुरू शुरू में कुछ मिलता है और आपको एक मजा आता है लेकिन अल्टीमेटली इट गेट्स बोरिंग आप बेजार महसूस करते हैं कि दिस इज नथिंग सब रखा लेट्स बॉयज अराउंड अस एंड लेट्स हैव यू नो कुछ ऐसी लाइफ गुजारते हैं जिसमें आप पटे फटे करें और ये वो करें लेकिन उसमें भी वो भी कुछ थोड़ा सा गुजारा और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे काम भी किए जि जिसमें आज तक पहुँ अल्ला गुनाहों को माफ फरमाए लेकिन उसमें भी कुछ नहीं रखा था एंड सुफानल्ला ये करते करते लाइफ बिकेम सो मॉटनस के होता ये थे कि यह अल्लाह मैं दुआ करता था कभी कभी यह अल्लाह लाइफ में कुछ ऐसा टाइम भी आए जिसमें मेरे पे कोई मुश्किल आए ताकि ये जो शगल वाली लाइफ जिंदगी है ये खत्म हो और थोड़ा सा से, थोड़ से डिफरेंस आए लाइफ में और बात बताऊँ आपको जब जब मैं गुनाहों में बहुत डीप गया हूं ना तो अल्लाह ताला ने मुझ पे कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लाजमी लाई है या तो कभी कोई एक्सीडेंट या कभी कोई बीमारी या कभी फैमिली में से किसी का लॉस किसी की वफात या कभी कुछ ऐसी चीज कोई ब्रेकअप कोई ऐसी चीज जिसमें I had to turn back to Allah कुरान में कहते हैं वाल हमजाबल् मियर जी हम लोगों को छोटी छोटी मुसीबतों में मुबला करते हैं बड़ी आफत और अजाब से पहले उसे बचाने के लिए ला मियर्जी ताकि वो मेरी तरफ पलट के आ जाए मेरी तरफ मुड़ के आ जाए मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था जब भी मैं गुनाहों की डेप्थ में जाता ना बहुत ज्यादा आउट होने लगता तो अला सब तई ना कोई आफत और मुसीबत मेरे पे लाजमी डालते थे कि तू किधर जा रहा है तेरा कोई रब भी है जो तुझे देख रहा है वापस आ जाओ यू नो जैसे वालिद साहब अपने बेटे को ये टैप करते हैं कि पुत्र किधर जा रहा है ठीक इंसान बन जा सीधा हो जा इस तरह तो से अल्लाह सफरा तआला भी और यकीन जाने अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है जिसमें आप गुनाहों में जब ज़्यादा जाने लगते हैं आप पे कोई मुसीबत और आफत आ जाती है एंड यू टर्न बैक टू अल्लाह अला तआला मे बी इट कैन यू एग्जाम्स यू नो एग्जाम्स में हम बड़े अल्लाह के करीब होते हैं इस so you know, uh, इस्लामाबाद की पुलिस हमारे पीछे होती थी एक जमाने में। we were, <laughs> और हम आगे होते थे और हम मतलब इतने अनफॉर्चुनेटली वो फीललेस हो गए थे क्या रब का भी खौफ नहीं है

और इतने रिस्क लेना शुरू कर देना कि डर लगने शुरू हो गया कि कहीं हम जेल में ना चले जाएं या हम गन शॉट में मर ना जाएं इस तरह की लाइफ गुजारना शुरू कर दी शुक्र है बैंक रॉबरी नहीं की अलहदुल्लाई डिंट अ बैंक लेकिन इस एक्सट्रीम पे जा रहे थे कि जिसमें कुछ पता नहीं था कि कल को क्या हो जाएगा और जिस फील्ड में भी जा रहे थे ना सुकून और चैन का नाम नहीं था हालांकि आई हैड अलहमदुल्ला अल्लाह के फजल से एवरी थिंग और वो जिंदगी जो मैंने हमेशा इमेजिन की थी कि अल्लाह मुझे ये ये चाहिए अपनी लाइफ में आई हैड ईच एंड एवरी थिंग मनी कार एक गुनाहों की जिंदगी गर्ल फ्रेंड्स यू नो पार्टीज अच्छे दोस्त अच्छी कंपनी कि की कोई किसी को टेंशन नहीं हेल्थ आई एवरी थिंग लेकिन जो एक खुशी होती है कि आप यार यू टू अचीव दिस आपकल एंड वेन यू रीच दैट पेनिकल इन लाइफ आपको वो मिलती नहीं कि यार ये क्या सारा दिन घूमने फिरने के बाद जब हम रात तो घर आते थे और तो मैंने क्या किया है किसी का वो लया तो बिला किसी को मारा या सर खोला या गुनाहों की जिंदगी या रेस्टोरेंट्स में गए खाना पीना और बाप का पैसा लुटाया और वापस आके दिस इज लाइफ इज दिस माई लाइफ आई टू क्वेश्चन दिस और मेरी जिंदगी को ना बहुत सारे इंसिडेंट्स ने चेंज किया लेकिन मेनली तीन तीन इंसिडेंट्स ने बहुत अफेक्ट किया नंबर वन आई वॉज इन मुल्तान और मुल्तान में ही मैं उस जगह से इवन जब मैं मुल्तान में था मैं गुजरा भी सही आई सॉ दैट प्लेस फैला जहाँ पे कंसर्ट हो रहा था और उस कंसर्ट में हम कुछ दोस्त गए हुए थे एंड वी वर पार्टिंग एंड वी वर डांसिंग एंड वी वर मतलब जानवरी तरह नाच रहे थे और वो बीच में मगरब की नमाज भी आई और मगरब की नमाज भी गुजर गई और हम नाचना गाना और एक वो एक अजीब सा एक माहौल था हम लोग मजा इंजॉय कर रहे थे उसमें मजा आ रहा था और सब कुछ और जिसमें शाउट आउट भी हो रही थी लोग आके अनाउंसमेंट्स कर रहे थे डिफरेंट बातें हो रही थी गानों के बीच में पॉजिस में एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ ठीक है आए कुछ कहना चाहते होंगे कि लास्ट सॉन्ग वॉज यू नो अमेजिंग एंड इट ब्लू और इससे की बात करना चाहते होंगे और वो आए उन्होंने कहा कि मैं अभी सामने वाली मस्जिद से जो साथ कुछ स्ट्रीट पीछे है वहां से नमाज पढ़ के आ रहा हूं और आप लोगों के नाचने और गाने की आवाजें उस मस्जिद के अंदर तक आ रही थी थैंक यू सो मच फॉर रूनिंग आर प्रेयर आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारी नमाज को तबाह बर्बाद किया एंड ही लेफ्ट द स्टेज एंड इवेंट अवे इट हेट मी रियली हार्ड कि मैं भी तो मुसलमान हूं मगरब की अजान का भुई नमाज का भुई हमने तो परवाही कोई नहीं की वजह के परवाह करते हैं सोचते मैं तो कॉन्सर्ट में नाच रहा हूं और हमारे नाचने और हमारी आवाज़ों और शोर और इन वूफर्स और स्पीकर्स की जो आवाज है मस्जिद के अंदर तक पहुंच रही है और नमाजी को डिस्टर्ब कर रही है वट काइंड मुस्लिम यू आर और सब बहुत जोर से स्ट्राइक किया मुझे और बिल्कुल ऐसे जो एक इंसान की जान निकल जाती है ना वो जान निकल गई फिर हमने कहा यार बात तो ठीक ही है इसने लेकिन चाह कर आप कॉन्सर्ट में आए हुए हैं तो हमने बड़ी जबर किया कि यार चलो नाचते हैं और उस फीलिंग को ओवरकम करते हैं और हमने दोबारा नाचना भी शुरू कर दिया लेकिन दैट फीलिंग नेवर वेंट अवे और अल्टीमेटली हमने कहा कि यार बस निकलो यार चलो जाते हैं कुछ खाने पीने चलते हैं और हम खाने पीने चले गए कितनी अफसोस की बात है कि जिस महफिल में तुम हो उस महफिल की आवाज़ें मस्जिद तक पहुँच रही हैं और मस्जिद में नमाजों की नमाज डिस्टर्ब हो रही है मुस्लिम यू आर एंड यू कॉल योर सेल्फ आशूल और मुहब रसूल और यू कॉल यूर सेल्फ मुस्लिम तो इट्स दूसरी चीज जब मैं इस्लाम में था आई यू टू गो टू अ क्लब इज इट्स अ स्पोर्ट्स क्लब वो वाला क्लब नहीं इतना भी मैं ठीक है तो वो उस क्लब में मैं ज्यादा स्विमिंग करने के लिए और जिम करने के लिए इट्स नोन एज गन्स क्लब अभी भी है शक्कर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ है जो आप लोग जानते होंगे तो वहाँ पे मैं वहाँ से वापस आता था रात को लेट स्विमिंग करके तो जब मैं वापस आ रहा होता था तो मैं देखता था कि मस्जिद के बाहर ना कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई और नमाज हो रही है शाह और मैं अक्सर एक्सरसूस कब करके घर चला जाता खाना शाना खाने के लिए एकदम जो ख्याल आया कि यार तो मस्जिद में जमात हो रही है और उसके स्पीकर ऊपर लगे थे तो आवाज़ भी के आजान आ, जमात के कुरान पढ़ा जा रहा है और तुम बन के निकल जाते हो तुम तो मस्जिद कभी -कभी। तु यार वजू करना पड़ेगा छोड़ो वजू बड़ा मसला था मेरे लिए वजू नहीं, वजू करना। वजू होता था पढ़ लेते थे लेकिन जब वजू नहीं होता था तो फिर इट वॉज टफ तो चूंकि मैं स्विमिंग करके रहा होता था और मेरा जो फिक ही जो जहन था उस टाइम का वो कहता था कि चलो आपने डुबकी मार ली है पूल में और आपने शावर ले लिया तो दिस मीन आपका वजू है लेकिन इस तरह वजू नहीं होता तो वजू के लिए नीयत चाहिए होती है आपने बिस्मिल्ला पढ़ना होता और आपने नीयत क्योंकि हर इबादत के लिए नीयत चाहिए होती है और वजू की भी इबादत है तो आपके लिए नीयत जरूरी इंपॉर्टेंट होती है तो मैं नीयत तो करता नहीं था बस स्विमिंग करके आ गया और आया था और मेरा वजू है चूंकि मेरे हर चीज गीली हो गई है तो मैं चलो यार ठीक है और मैं गाड़ी पार करके रुज के हालत में हूँ तो नमाज पढ़ लेता हूँ और मैं जब नमाज पढ़ता था उस मस्जिद में तो उस मस्जिद में नमाज के फ़ौरन बाद दस पंद्रह मिनट का एक दर्स होता था और मेरे जो बीबी शेख हैं माशा वो शेख दर्स दे रे और मैं क्योंकि वो एक स्विमिंग और स्टीम लेने के बाद और सुना बात लेने के बाद यू आर फीलिंग मच एंड यू वांट टू रिलैक्स और एक आप स्पिरिचुअल स्परिज फील कर रहे होते हैं तो आज टू तो से चलो सुन लेते हैं मौलवी साहब क्या कह रहे हैं और उस दर्स में वो जो जो बात बताते थे वो एक्जैक्टली मेरी लाइफ के ना वन डिग्री ऑपोजिट हुई थी मुंह से गाड़ी नहीं देनी चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए हराम काम नहीं करना चाहिए फला नहीं करना चाहिए फला नहीं करना चाहिए आई वॉज डूंग और हर चीज मुझे ना निगेट करती यू आर नॉट दिस पर्सन जो अल्लाह ताला एक मुसलमान से डिमांड करते हैं खैर उसको इग्नोर किया कुछ दोबारा मस्जिद में आया और करते 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 जब वो सुनना शुरू किया स्टार्टेड फीलिंग सेल्फ कि ये क्या चल रहा है और उससे हुआ यह कि मेरे अंदर ना एक जंग शुरू हो गई मेरे अंदर नफ्स में कि मैं अपने जो दिन गुजार के आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और दोस्तों के साथ दैट इज एग्जैक्टली वे और जो ये मौलाना साहब कुरान से और हदीस से बातें बता रहे हैं ये तो सही है, है ये ठीक लेकिन ये इसके एग्जैक्टली exactly अपोजिट मैं पहले तो उस सब को मैं इंजॉय करता था उन सब हराम एक्शन को लेकिन अल्टीमेटली हुआ यह कि आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट थिंग्स कि मैं क्या कर रहा हूँ एक अंदर से ना जंग छिड़ी छिड़ेगी मेरे अंदर और मेरे याद है हमारी साइकोलॉजी क्लास थोड़ी थी और उसमें हमारे बड़े एक अच्छे टीचर थे उन्होंने हमसे एक एक्टिविटी कराई उन्होंने कहा कि आई आई गिव यू मे बी कुछ मिनट्स मुझे याद नहीं है मुझे सारा सीनरी भी याद नहीं है क्लास में थे आई गिव यू सम टाइम दस मिनट इसमें you know, dig deep inside yourself and ask yourself one question: what do you want to become one day in your life? How do you imagine yourself? You know, what will be you will you be doing after maybe like five years or ten years? What do you want to become in your life? Or somebody said, I want to become a car racer, somebody said I want to become a doctor, somebody said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher.

Uh, uh, बातें देखो सो आई सैड इट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन बिकॉज वो मेरे अंदर से ना एक अजीब सी आवाज आई और उस उसने ना एक जंग को छेड़ दिया शेय शेख के दर्द से उसने मेरे अंदर एक नई यू नो एक बैटल फील्ड कायम कर दिया जिसमें मेरा नफ्स दूसरे नफ्स से लड़ आए और जब मैं एक दिन यूनिवर्सिटी जाता और मैं इरादा करता था हर रात को कि मैं कल से ना आई टोन डाउन लेकिन जब मैं गैदरिंग में जाता और दोस्तों में जाता हूँ एवरी थिंग वॉज द सेम के पीर प्रेशर और आप उसमें एक जिंदगी गुजार रहे होते हो तो आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते एंड यू के नॉट स्टॉप और मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी थे जिसमें मैं मतलब अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ और पिछली रात को मैंने आ, किसी मौलाना साहब का स्पेशली मौलाना तार जमील हाफिजाउल्ला का दर्द सुना और उनको मैं आ, सुन के मेरा बड़ा आंखों से आंसू बेचे थे और मैं बड़ा तोबा रहा था और अगले दिन मैं अपनी फीमेल फ्रेंड को बता कि अपना ब्लूटूथ ऑन करो आई सेंड यू वो समी वॉज थ ये मुझे गाना भेजने लगा आई टू सेंड हर ऑफ मौलाना साहब और कहते लंबा क्या भेज रहे हो यार प्लीज एक्सेप्ट एट और इसको कबूल करो और सुनना है इसको ठीक है तो एक जंग शुरू हो गई और तीसरी चीज जिसने मुझे बिल्कुल चेंज करके रख दिया वो एक फाइन यू नो सनी डे इन इस्लामाबाद मैं अपने कजन के साथ था एंड आई वॉज फीलिंग हिल पिछले कुछ दिनों से उसने कहा कि बल्कि मैंने उसने तो कहा ठीक है चले चलते हैं ही हैडकावासाकी मे बी एट एटी था वो एंड आई है बुलेवोड चॉपर सिक्स सिक्सटी अभी जो अपने पिक्चर्स देखे हैं उनमें से ब्लैक जो बाइक था वो वही था हम निकले जी रोड पे स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया दोनों ने थ्रॉटल दिया कुछ सेकेंड्स बार बाद वीबर अराउंड एट वन हंड्रेड और वन ट्वेंटी में भी वन थर्टी अचानक से क्या हुआ कि एक लेफ्ट से बाइक वाला आया

के ब्रेक्स मारने के मैंने थ्रॉटल दिया कि शायद मैं पहले घसीटने के, के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी वो सूरत हाल थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मेरी जबान दो हिस्सों में कटी हुई थी यहाँ पे बहुत बड़ा कट था जबान ऐसे जैसे स्नेक टांग होती है न, उस तरह की थी मेरा दांत टूट चुका था मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट था जो कि अभी भी है आ, जो कि बहुत डीप था अभी शायद आपको नजर आ रहा यहाँ पे यहाँ से निकली हुई थी मेरा मुंह डिफरेंट जगहों से जो है ना वो कट्स में था यहाँ कट है यहाँ कट था और वो बहुत सारे कट्स थे जिसमें से खून के फमारे निकल रहे थे और इतना खून मेरे मुंह से और मेरी जबान से निकल रहा था और अचानक से इट वॉज शॉकिंग इवेंट कि मैं जब खड़ा हुआ मेरी जबान मेरे मुंह में लटकी हुई है यहां से मेरे होंठों में आ रही है और मेरा दान टूटा हुआ है और मेरे मुंह से फवारे निकल रहे हैं खून के एंड आई इमेजिन माई सेल्फ और ऐसे जब विद्लीम्स आई आई तोहा ये तो मौत है यू आर अबाउट टू डाई और वो जो पांच पिंड थे ना जिंदगी के उन्होंने मुझे वो कुछ सिखा दिया जो कि मैं पिछले सारी जिंदगी में नहीं सीख सका एंड आई सकाबर अल्लाह अकबर अकबर दैट आई एम गोना डाई मेरा कजन भागा गाड़ी लेने के लिए टू टेक मी टू द हॉस्पिटल और मैं वहां पे जब उसके पीछे चल रहा था एंड आई वाज लुकिंग एट माय सेल्फ एंड आई हैड अ आईडल एक्सीडेंट और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड मेरे मुंह से निकल रहा था आई वाज थिंकिंग आई विल बी अ डेड बॉडी लोग पांच मिनट बाद कह रहे इस मईत को उठाओ और इसका जनाजा पढ़ते हैं एंड इन माई हार्ट आई वो स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग और इतना बेबसी का आलम था आई वो स्क्रीमिंग कि है कोई जो मेरी मदद करे और उन तमाम चीज़ों के को मैं पुकार रहा था अपने दिल में कि जो मुझे जिनके लिए मैंने अल्लाह को नाराज किया था अपनी फीमेल फ्रेंड्स अपने दोस्त अपना माल अपना वो गैंग वो ड्रग्स वो चीजें वो वो एक स्टेटस जिसकी जिसको राजी करने के लिए मैंने अल्लाह को नाराज किया था कि आओ मुझे बचाओ मैं बुरी स्टेट में हूं तुम लोग मुझे बचा सकते हो आई आई स्क्रीमिंग एंड 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 शाउटिंग इन हार्ट केम टू हेल्प मी आउट थिंकिंग मैं इसके बाद मरने वाला और मेरी सारी पिछली जिंदगी का ना फ्लैश बैक मेरे सामने आया हमने हम जुमे जुम्मे जुमे मस्जिद चले जाया करते थे ना तो मौलवी साहब से वहां सुना था कि जो शख्स नेक अमाल करेगा वो जन्नत में और जो शख्स गुनाह करके आएगा वो जहन्नम है और मैंने जब अपनी सारी जिंदगी को एक ग्लिम्स में रियलाइज किया तो इट वाज ऑल सिंस, इट वाज ऑल लाइफ ऑफ सिंस एंड नो गुड डीड्स एट ऑल मां-बाप की नाफरमानी भी और गुनाहों की जिंदगी और पार्टीज और ड्रग्स और गर्लफ्रेंड्स और हराम रिलेशनशिप्स एंड यू नो लोगों के साथ भी आई थॉट आई एम गोइंग टू एंड अप इन जहन्नम इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स तो ये जिंदगी तो तोह तुम्हारी ख़त्म आज के बाद हमेशा हमेशा का अजाब और मौत है और कुछ देर बाद तुम फरिश्ते देख रहे हो के जो कि तुम्हें मार पीट रहे होंगे और तुम्हें कबर में सांप और बिछू तुम्हारे ऊपर होंगे मेरे अल्फाज ना आपको मेरे उस टाइम के जज्बात कभी बता नहीं सकते जो उस टाइम मैं फील कर रहा था और हर इंसान फील करता था जब उसने जिंदगी गुनाहों पर गुजार रही हो और उसका मौत का वक्त आ जाए मुझे तो अल्लाह तला ने एक नया चांस दे दिया और मुझे अल्लाह ताली ने बचा लिया लेकिन मेरे कितने दोस्त हैं जो कि जिनको आज तक एक चांस नहीं मिला मैं एक दोस्त था जो कि आई एट में ड्रिफ्टिंग कर रहा था गाड़ी पे ही बैन्ड ऑन ट्री विंड स्क्रीन से बाहर निकला डाइड ऑन स्पॉट एक दोस्त हम इंडे सेवर में चूंकि स्विमिंग करते थे उस दौर की बात है तो उसमें ही ड्राउंड एंड आई गॉट अ न्यूज दैट ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड

या कहा एक और चांस मुझे मैं इस, तरह नहीं मरना चाहता। अगर मैं इस तरह मर गया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा इतनी जल्दी मर जाऊंगा मेरे जहन में क्या था पता है और मैं वाला ही आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के भी जहन में सम हाउ सिमिलर और डिफरेंट प्लान शैतान ने गढ़ा हुआ और बताया हुआ और वो ये क्या अभी तुम डिग्री कंप्लीट कर लो जॉब अच्छी सी मिल जाएगी या अपना बिजनेस करोगे या अपने फादर का बिजनेस संभाल लोगे कुछ दस पंद्रह गर्लफ्रेंड से यू नो करके शादी कर लेना फिर फेयर्स चला के फिर अपनी यू नो लव ऑफ द लाइफ से शादी कर लेना और फिर उससे तुम्हारे बेबीज होंगे एंड यू बी सेटल्ड इन वट एवर सिटी यू वांट और फिर तुम लाइफ उसका गुजारना ट्रैवलिंग करना घूमना फिरना लाइफ को एंजॉय करना और फिर अराउंड फोर्टी फिफ्टी तुम हज पे चले जाना और हज पे जब तुम वापस आओगे एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं जब हज पे जाऊंगा तो हज करके जब वापस आऊंगा घर तो मेरे तमाम गुना माफ़ कर रहे हो जाएंगे और दैट्स इट बस इतना काफ़ी है लाइफ को और फिर आगे मेरे मौत और फिर तक खड़ा हो गया तोहा साह अल्लाह तन्नतें आपका इंतजार कर रही हैं आपके गुना सारे माफ़ है आए अल्लाह की जन्नतों में एंटर हो जाए जिंदगी भी याशी में गुजार दी आखिर भी याशी में गुजार दी दिस इज दिस वॉज माई प्लान कि यार आखिर में तोबा कर लेंगे मौत से पहले तौबा कर लेंगे और हज करके आएंगे तो वैसे माफ हो जाएंगे और सब सेट हो जाएगा अल्लाह ताला भी बड़ा रहीम है। कि मैं इतने जल्दी मर जाऊंगा और आप यकीन जाने मुझे यकीन आ चुका था कि मैं अगले पांच मिनट में मरने अल्लाह प्लीज मैं ऐसे हालत नहीं मरना चाहता क्योंकि मैंने आपको नाराज किया आई एम अ लूजर अगर मेरे पास जिंदगी में कुछ भी ना होता एक वक्त की रोटी भी ना होती लेकिन मैं आपको राजी करता करके आता ना तो मैं कामयाब इंसान होता मैंने क्यों ऐसा किया है अल्लाह मैंने लोगों की रजा के लिए आपको नाराज किया और अब जब मुझ पर मजबूरी आई है जब मैं जब मुझे हेल्प चाहिए नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प मी आउट एक्सेप्ट यू और मेरी नजर आसमान की तरफ उठी मैंने कहा अल्लाह आप तू ही है तू ही बचा लें अलहमदुल्लाई न्यू चांस अल्लाह ताला मुझे एक नई जिंदगी दी चाहे तो मैं मर जाता लेकिन हे गिव मी ए न्यू चांस और जब मैं बच गया एंड आई रियलाइज कि आई एम सेफ नाउ तो वो जो पांच मिनट थे ना उनसे बचने के लिए मैंने कहा अपनी जिंदगी अब चेंज करूंगा मैं मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह मैं उन उन पांच मिनट में मरने को फील करता और कितने लोग हैं वल्लाही मेरे जानने वाले बाइक्स पे रात को निकले का फ्लाई बाय मारते हैं एंड देख्रीट बैरियर्स आ गए on spot। उसको तो नहीं पता था कि मैं जो ये ग्लव्स पहन रहा हूँ हाथों में आखिरी दफा पहन रहा हूँ मैं जो बाइक में चाबी डाल के बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ ये मैं जिंदगी में आखिरी दफा कर रहा हूँ ये जो मैंने अपनी बीवी को या अपने बच्चे को देखा है जो मैंने अपने घर के दरवाजे से मैं निकला हूँ इसके बाद मैं कभी भी अपने घर में जिंदा वापस नहीं आऊंगा ये जो मैं कुछ सांसें ले रहा हूं ये मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। इंसान कभी इमेजिन नहीं कर रहा होता कफा बिल मौत मौत काफी है इंसान की एक झंझोड़ने के लिए और नसीहत के लिए और हम भी देखें, हम कितने लोगों की वफात अपने नजरों में सामने देखते हैं लेकिन वो नेवर रियलाइज के हमने भी मर जाना है बड़ी जल्दी हार्ट और मैंने कहा अल्लाह आज के बाद मैं अपनी जिंदगी को चेंज करूंगा बिकॉज मैंने ये, ये रियलाइज कर लिया मुझे तूने दिखा दी जिंदगी कितना बड़ा धोखा है आप अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हो इस दुनिया पे और आखिरी टाइम पे ये सब छोड़ जाती है आपके साथ और कुछ काम नहीं आता सवाए आपके अमाल के सवाए आपकी मोहब्बत के और अल्लाह से आपसे ताल्लुक है तो फिर क्यों उस पर इन्वेस्ट करना है अल्लाह आई विल इन्वेस्ट ऑन यू आई विल इन्वेस्ट ऑन माई रिलेशनशिप विद अल्लाह व तआला नॉट एनी अब आप इनकी प्रायोरिटी बन के रहेंगे बट शैतान, जब मैं चेंज हुआ और मैंने दाढ़ी रखना शुरू की आई वाला एक इंसान हूँ क्या इसके लोग हैं और आप लोग तो अलहदुल्लह बहुत अच्छे हैं आप लोग तो सुनते हैं हम कैसे थे कि कुछ आता था ना दीन की बात निकलने का तुझे ज्यादा पता है हमारा अपना दिन तेरा अपना दिन बस जा हमसे बात ना कर और इस तरह की लाइफ स्टाइल था लेकिन मैंने खैर आप आपसे वादा किया है। और शैतान बार बार आया और घेरना चाहा एंड मैंने कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस किए मैं बता रहा आपको जिनमें से सबसे बड़ा जो था देखिए हर इंसान का अपना चैलेंज होता है हो सकता है किसी इंसान का चैलेंज दीन में जो है ना ना आने का और अल्लाह से करीब ना होने का माल हो सकता है कुछ का फैमिली स्टेटस हो सकता है कुछ का पी प्रेशर हो सकता है कुछ के हराम रिलेशनशिप हो सकते हैं कुछ का क्या कुछ का क्या शैतान हर बंदे को डिफरेंट एंगल से आजमाता है फॉर मी इट वॉज हराम मैं उनको छोड़ नहीं सकता था बिकॉज मैं इतना इन्वॉल्व था और इतना आई वॉज नॉट डीपली इन लव उस तरह से मतलब किसी एक से देर वर्स यू नो मल्टीपल ऑफ दम उस दौर की बात है जब मैं किसी मतलब एक मैंने रिलेशनशिप कोई सीरियस नहीं हुआ था इट वॉज मल्टीपल है आज एक्सपोज कर रहा हूँ मैं अपने आप को सो so, वट हंड वॉज मैंने कहा अल्लाह तही रज़ा के लिए मैंने सबको मैसेज किया कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे उन्होंने कहा ठीक है ठीक है इसको जो है ना वो भूत सवार हो गया। लगता है। फिर इसने कोई मौलाना साहब का लेक्चर सुन लिया अब ये दो दिन बात नहीं करेगा फिर जब इसका ईमान का भूत उजरेगा तो फिर ये बात करना शुरू कर देगा क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले भी ऐसा किया था कि जब कोई लेक्चर सुन लिया तो मैंने मैसेज किया आज के बाद हम बात नहीं करेंगे ये इस्लामिक के लिए हराम है और मैं एक मुसलमान वाली जिंदगी गुजारना चाहता हूँ अल्लाह हाफ़ लेकिन दो दिन बाद यार सॉरी यार बस ईमान ताज़ा हो गया लेकिन दिस टाइम दो दिन गुजरे तीन दिन गुजरे चार दिन गुजरे आई नेवर रिप्लाइड उनके मैसेज क्या हो गया भई खैरियत हो ठीक हो क्या मसला है वाई यू बींग रूड वाई यू बीग स्टार्टअप और बड़ी ट्राई करने के बाद जब मैंने रिप्लाइज नहीं किया और समझाया कि नहीं आई है स्टॉन्च डिसीजन अब नहीं होगा उसके बाद उनने डिफरेंट एंगल से और कहा कि अच्छा ये तो मैं इस्लाम से कहा किसी को दिल तोड़ना

मखलूक मां बाप भी कहने की शिरक करो शिरक नहीं करूँगा वह साहिब हूँ फिर दुनिया में आरूफा और उनके साथ बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारो लेकिन उनकी अतात ना करो गुनात ना करो जो हो गया तोहबा इस्तो लेना अगर रिप्लाई करना शुरू कर दोगे तो फिर यू नो समो फीलिंग्स वो दोबारा डेवलप होंगी और दोबारा पैचअप हो जाएगा नॉट रिप्लाई देम एट ऑल अच्छा अच्छा फिर डिफरेंट एंगल से और कहा कि हम भाई बहन भी नहीं बन सकते हम दोस्त भी नहीं बन सकते भाई मैंने कहा नहीं अल्लाह ताला मुझे दो बहनें पहले अता किए हैं जो मेरी माँ से मुझे और बहनों की कोई जरूरत नहीं है मैं पहले बहुत जोकिंग <laughs> तो मुझे जरूरत नहीं है ये जो बहनों वाली बात है ना ये बड़ी डेंजरस बात है कितने बहन भाई बने होते हैं आप कुछ दिन बाद शादी हो गई पहले रिलेशनशिप शुरू हो गया फिर शादी हो गई हालांकि थे थे तो बहन भाई थे तो देना अच्छे दोस्त मैंने कहा शैतान की ट्रिक्स हैं इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा इनशा अलहमद और मैंने कुछ लिस्ट बनाई मेंटल में जहन में कि गुड मुस्लिम और यकीन जाने वो सारे काम थे जो मैं सारा दिन करता था

अल्लाह सुबह तेव मी अटर मैंने म्यूजिक को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा अलहमदेड you know, और अजीब सी लजत आने शुरू हो गई और उसके तर्जुमे में और उसके उसमें आपको जहां पर मजा आ रहा है पहले म्यूजिक में मजा आता था फिर कुरान में मजा आना शुरू हो गया वो मजा था गुनाहों के साथ ये मजा है अजहर के साथ नकियों के साथ मैं सही साथ सही रात बैठ के मूवीज देखता था टॉरेंट पे मूवीज लगाई देती थी जब भी यूनिवर्सिटी या घूम फिर घर आए लैपटॉप खोला यू नो जूस रखा हेडफोन्स लगाए अब मूवी टाइम है जी और मूवी देख रहे हैं सही रात बैठ के और फजर की अजान हो गई अब फजर की अजान हुई तो यार बंद करो मूवीज कैसे देख रहे थे फजर की अजान हो रही है तो क्या करो फिर तो सो जाओ नमाज पढ़ने तो मैं कैसे जाऊँ थका हुआ ना लेकिन मूवीज नहीं देखनी रही सो जाओ फिर क्योंकि कितना बुरा लगता है कि आजाना हो रही है तो मूवी देखते रहो इट्स वेरी बैड मुसलमान बनो ना और फिर मैं लैपटॉप बन गया था और उसमें सो जाता था तो जब मुझे ये अबी के मखन पीरियड एंड मदनी पीरियडिंग अकबर और मैं आधी आधी रात बैठ के वो वॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था और मेरा ईमान भी बढ़ा है आई यूज़ टू लव इट आई टू क्रेव फॉर इट मैं जब भी यूनिवर्सिटी में आता था तो क्लास खत्म होती है फॉरन से निकलता था जस्ट टू वॉच द लेक् और मजा आना शुरू हो गया आई लेफ्ट गर्ल फ्रेंड्स हालांकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पैंतीस साल से पहले शादी भी करूंगा मेरा था कि यार लाइफ को ना इंजॉय करना और लुट मचानी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने गर्लफ्रेंड्स छोड़ी और बचपन से खातन में रहने की इतनी बुरी आदत डेवलप हो गई थी तो अल्लाह साम गेव मी ब्यूटीफुल वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ला मेरी यकीन जाने चेंज होने के कुछ टाइम बाद आई गॉट मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह एंड शी इज माय हलाल गर्लफ्रेंड लिविंग विद मी इन माई हाउस माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग हर आई एम सपोर्टिंग हर एंड वो पहले तो डर डर के छोप छोपते थे ना अब मेरे वो घर में रहती है

की रजा के लिए लोगों को नाराज करते हो तो अल्लाह तो राजी होता ही होता है एंड एट द एंड ऑफ द डे लोग भी तुमसे राजी हो जाते हैं तो ये बात याद रखें आप अल्लाह ताला के लिए कुछ कुर्बान करें उसका बेहतर बदला आपको लाजमी मिलेगा चाहे छह महीने में चाहे साल में चाहे दो साल में लेकिन अल्लाह ही आपको लाजमी मिलेगा इस दुनिया में या आखिरत में है जो अल्लाह की रजा के लिए छोड़ रहा हूँ ना ये इसका मुझे बेहतर बदला अल्लाह ताजमी देंगे यूसुफ सलाम ने एक औरत की यू you नो know, दावत जिना को छोड़ा अल्लाह ताला ने उनको पूरे मिस्र की बादशाह दे दी साहबा ने अपने घरों को छोड़ा दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को कदमों के नीचे फेंक दिया और कहा कि तुम लो इसको इसकी बादशाह बन जाओ क्या कुछ इंसान अल्लाह ताला देता है इंसान को बस करने ही क्या दे रहा है एंड द पीयर प्रेशर वल्ला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को इस स्लोगन से निकाले कि लोग क्या कहेंगे

नेवर अबाउट पीपल के जो कहते रहे कहें मैंने जिसको राजी करना है उसको मैं राजी करूँ अल्टीमेटली मेरा साथ देने वाला वही है और सब छोड़ जाएंगे सिर्फ मेरे आमाल और मेरा मेरे काम आएगा उन्होंने कहा पूरी दुनिया मौलवी हो सकती है पूरी दुनिया चेंज हो सकती है लेकिन तो, तो कभी चेंज नहीं हो सकता एंड लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे अल्लाह ताला इज द बेस्ट ऑफ प्लान सॉक्रेडिस को आप जानते हैं सुखरत सुकरात एक दफा दरिया के किनारे बैठा हुआ था और एक शख्स उसके पास आया और कहा कि ए सुकरात तू बहुत दाना शख्स है ही अ फिलासफर ग्रीक फिलासफर उसने कहा कि सुकरात मुझे अपना सारा इल्म दे दे बुढ़ी तो सॉक्रटीज ने ना उसकी गर्दन से पकड़ के उसको पानी में धिका दे दिया और दरिया के अंदर उसका मुंह डाल दिया और वो हाथ पाओ मारता रहा और अपने आप को कोशिश करता रहा निकालने की लेकिन जब वो बिल्कुल मरने के करीब है तो सॉक्रटीज ने उसको निकाला और उसे सांस लिया और कहा कि ये कि तूने काम किया ये कितु तूने हरकत की है हमारी अपनी पेंट की लैंग्वेज में ये तो क्या चावल मारी है सोक्रेटिस ने कहा कि जितनी तड़प तेरे अंदर हवा की थी जब तू पानी में था इतनी तड़प जब तेरे अंदर इल्म की आ जाएगी ना तो तब मेरे पास आना मैं तुझे अपना सारा इल्म दे दूंगा The desire of change has to come within you. You have to take a step. You have to start. अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे तू कदम तो तू बढ़ाना तू ए तो बढ़ा फिर देख मैं दस कदम कैसे बढ़ाता हूँ तो देख मैं दौड़ कैसे आता हूँ पहला कदम तुमने उठाना है फिर देखो अल्लाह की रहमतें और, रहमत और तुम्हें किस तरह समेट लेती हैं और तुम्हें उठा के ले जाती हैं लेकिन तुमने कदम तुमने बढ़ाना है और स्टार्ट तुमने करना है तो डिजायर ऑफ चेंज है ना आई सो माई सेल्फ जो मेरा दिल की बात थी हालांकि नहीं है लेकिन के वन एक शख्स था जिसने कहा कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट आर्चर के पास खीर कमान सीखना चाहता हूँ आर्चरी सीखना चाहता हूँ तो किसी ने कहा कि आप उस मुल्क में उस शहर में चले जाए वहां का दुनिया का टॉप का आर्चर बैठा है वो पहुंच गया वो से मिला उस शख्स मिला और कहाता आप सीख जाता हूँ आप कल आ जाए इस जगह इस टाइम पे जब वो पहुंचा देखा उस्ताद पहले से खड़ा हुआ है टारगेट सेट किए हुए हैं बो एंड एरो उसके पास है और एक पट्टी उसके पास है और शागिर्द को बोला कि मेरी आंखों में बांध दो तो जब शागिर्द ने आंखों में बांधी तो उसने जोर से ना एरो को खेचा और उसने टारगेट को मारा टारगेट की तरफ शूट किया गैस करें वो लगा होगा या नहीं लगा होगा ही इज द बेस्ट आर्चर एरो वेंट माइल्स अवे बहुत दूर जाके लगा और उसने पट्टी खोली और बच्चे से कहा कि पुत्र सीखा तो वही बात उसने की ये तुमने क्या चवल मारी है इसमें क्या सीखने की बात थी? तो उसने कहा कि बेटा याद रखो एक बात को यू के नॉट हिट योर टारगेट अनलेस यू सी इट तुम उस टारगेट कभी हिट नहीं कर सकते तो जब तुम उसे देख ना लो जंगे मैदानों में, में जीतने से पहले ना जहनों जे, में जीती जाती हैं दिमागों में जीती जाती हैं जो टीम अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती कि हम कल ग्राउंड में आके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के चीख और चला रहे होंगे वो कभी वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकती इफ यू कैनॉट सी योर सेल्फ एंड इमेजिन योर सेल्फ पर्सन एंड लॉज ऑफ एंड मेकिंग लाइफ एंड اللہ اللہ on and entering Jannatul with the Prophet you 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 cannot achieve it. it. have have to dream it. You have, वो तुम्हारे अंदर shiddat होनी चाहिए जितनी shiddat उस बंदे की अंदर सांस की थी जब वो पानी के अंदर था उतनी शिद्दत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह के नबी से मिलना है अल्लाह का दीदार करना है मैंने जन्नत को तलाश करना है और जन्नत में आख, दाखिल होना है हर बंदा चाहता है कि कंफर्टेबल लाइफ गुजार है लेकिन द मोर यू सीक द अनकंफर्टेबल द मोर यू बिकम कंफर्टेबल याद रखें इस बात को द मोर यू सीक द अनकंफर्टेबल द मोर यू बिकम कंफर्टेबल बिकॉज चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ आपको पता है ईगल जो है वो सत्तर साल उसकी लाइफ होती है सेवेंटी ईयर्स लेकिन चालीस साल में उसकी जो बीक है वो बेसिकली टेढ़ी हो जाती है और जो ईगल के टैलेंट होते हैं जिससे वो ग्राप करता है प्रे को वो बेंट हो जाते हैं और वो अपने प्रे को पकड़ नहीं सकता और इसके जो फेदर्स होते हैं दे गेट ओल्ड यू नो थिक एंड एंडी और उसके दे स्टिक टू इट्स चेस्ट वो सुकड़ जाते हैं और वो फ्लाई नहीं कर सकता तो वो चालीस साल में मर जाता है अगर वो एक चेंज के प्रोसेस से ना गुजरे तो ईगल को क्या करना पड़ता है वो अपनी चोंच को ना पत्थर में मार मार के तोड़ता है इट्स अ पेनफुल प्रोसेस वो उड़ता है अपने घोंसले में जाता है अपना राशन लेके और वो अपने चोंच को तोड़ता है वो अपने जब जो नई चोंच निकलती है उससे अपने पैरों को खींचता है और उनको निकालता है और अपने टैलेंट्स को तोड़ता है और खींचता है और अपने जैसे उंगली है नाखून है इस तरह निकालता है उनको नए रीग्रो करें अगर वो तीस साल और और मजीद रहना चाहता है तो ही टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ चेंज चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सरवाइफ जब वो ये कर लेता है तो उसकी नई बीक निकलती है नए टैलेंट निकलते हैं एंड नए पर निकलते हैं एंड ही फ्लाइज एंडी इयर्स एक्स्ट्रा इफ वी वॉन्ट द इटर्निटी ऑफ जन्ना विद अल्लाह सुबह फॉर हमेशा की लाइफ इन जन्नाव टू गो फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ चेंज sins stop our life of sins लाइफ is hard it takes pain it takes discipline lekin it is worth it wallahi

और वो इन आयात की तिलावत करता गया तो वो रोने शुरू हो गए और उन्होंने कहा बोला यार बहुत हो गया गुनाहों की जिंदगी फिर ने अपने आप को चेंज करके कुछ लोगों के साथ गए और उस बस्ती को छोड़ना चाह तो जब उन्होंने ट्रेवल करना शुरू किया तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि हम यहां रुक जाते हैं रात स्टे करते हैं क्योंकि जो रॉबर है ना वो बहुत डेडली किस्म का है वो बहुत बुरा इंसान है उसकी वजह से वो हो सकता है हमारा सामान चोरी करके ले जाए और हमें तकलीफ पहुंचाए तो हम आज रात ही गुजारते हैं और फिर कल सुबह ट्रैवल करते हैं ताकि डे लाइट में ट्रैवल करें तो ये जो शख्स था ना इसको इतना शर्म है कि मैं इतना बुरा इंसान कि मैं लोगों के लिए इतना तकलीफ का बायस बना और मैं इतना लोग मैंने क्या तकलीफ और खौफ ज्यादा लोगों को करके रखा है

और इतना ज्यादा शराब पीना शुरू हो गया कि एक दिन बहुत ज्यादा शराब पी और ही वो यू नो लाइंग ऑन द ग्राउंड ख्वाब देखते हैं कि मैं ख्वाब में भाग रहा हूं और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा अजदहा लगा हुआ है और वो अजहा मुझे खाने लगा है लगे हम बिल्कुल मेरे करीब आ जाते मुझे खाने लगता है फिर मैं जोर लगाता हूँ और भागता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक शख्स आगे खड़ा है बुजुर्ग और मैं उसे कहता हूँ कि मेरी मदद करें मेरी मदद करें पीछे सांप लगा हुआ है वो कहता है कि मैं बहुत कमजोर हूं बेटा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ तुम तो उस जगह चले जाओ तो कहते मैं उस जगह भागने शुरू करता हूँ फिर मैं मुझे वापस आता हूँ तो कहता हूँ कि मेरी मदद करें मुझे बचाएं कितना आपको बचा नहीं सकता और फिर जब मैं जाता हूँ और मैं एक क्लिफ एज पे चला जाता हूँ जहां पे आगे खाई होती है और सांप मेरे मुंह तक पहुंचता है तो मेरी बेटी आती है और उसे रोक देती है और वापस चला जाता है तो कहते जब मैंने इस ड्रीम की इंटरप्रिटेशन पूछी तो कहा कि तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि वो अजदहा जैसे हैं और तुम्हें खाने लगे मीन तुम्हें तबाह पर बात करने हैं और जो बुजुर्ग शख्स था वो तुम्हारे नेक अमाल हैं इतने वीक है इतने कमजोर हैं तुम्हें वो बचा नहीं सके गुनाहों गुनाहों से और शाम से बुरे आमाल से और जो बेटी है जो अल्लाह ने तुमसे छीनी है हो सकता है वो जरिया बन जाए तुम्हारी निजात का और तुम्हें वो इतने गुनाहों से बचा ले अगर तुम सब्र करते हो और अल्लाह के रास्ते पर आते हो एन मालिक बिन दीनारिकम एन आलम सो सरकम जो है ना वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि सब इधर जा रहे हैं यू नो ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो उस पत्ते की तरह ना बने जो बड़ा वीक और मीक है और जो की चली वहां उड़ा के ले गई राधर बी अ माउंटेन बी रॉक जिसको कोई हिला नहीं सकता हमेंट लिव विद गुड कंपनी मैं आपको आखिर में एक लेसन दिला के बाद खत्म करूंगा इनशाला एक शख्स था उसके दो बच्चे थे वो शख्स शराबी कबाबी गीजानी गुनाहगार था उसके दो बच्चे थे एक बच्चा उससे बड़ा गुनाहगार बना और एक बच्चा बहुत अच्छा दीन में और दुनिया में भी सी ओ ऑफ़ कुरान एंड टैलेंटेड बच्चा बना तो जब लोगों दो, that, you know, तो ने आके दोनों से पूछा कि व्हाट मेड यू दैट दिस पर्सन यू नो व्हाट मेड यू दिस वे तो दोनों ने एक जवाब दिया कि जिसका बाप ऐसा हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो गुनागार था और उससे भी ज्यादा फेलियर बना हुआ कहता है जिसका बाप ऐसा हो उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं वो भी तो नशे में पड़ेगा ना वो भी तो गुनाहों में पड़ेगा लेकिन जो अच्छा इंसान बना उसने कहा जिसका बाप ऐसा हो उससे तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मैं इसके रास्ते को फॉलो करूंगा मैं इसके रास्ते पे चलूंगा सर्कम डू नॉट डिफाइन डिफाइन यू यू योर हु आर असल ही गेम है अल्लाह के नबी ने भी कुफार के बीच में जिंदगी गुजारी साहबा ने भी कुफार के बीच में जिंदगी गुजारी But their circumstances didn't define who they are. Their choices define who they are. So if you want to live a life you know worth remembering, they say the key to immortality is living a life worth living. Why do we remember the sahaba and the Rasulullah? Why? Because they live a, lived a life worth living. क्या कमाल की ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी दैट्स डेट्स वी रिम्बर देम और हम गुनाहगारों को याद करते हैं उनका नाम व निशान मिट गया और ख़त्म हो गया वो ये तो बात याद रखें जो शख्स अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह ताला उसका जिक्र हमेशा लोगों तक कायम रखेंगे वो मरने के बाद भी लोगों की यादों में और लोगों की बातों में और किताबों में जिंदा रहेगा क्योंकि उसने अल्लाह के दीन का काम किया लेकिन जो गुनाहों की जिंदगी गुजारेगा ना वो भुला दिया जाएगा

अल्लाह के दीन के काम करने से जो इज्ज़त अल्लाह जिंदगी में भी दे रहा है और, और शायद मरने के बाद भी दे और आने वाली जनरेशन कहें और लोग कहें कि कुछ यूथ क्लब के लोग थे जिनकी गेम्स बहुत हैवी थी अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए और अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पे बैठना कबूल फरमाए बार फिकुम आई नो आई एम एंडे next time see you on same day and same time barakallahu feekum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh